नमस्कार, एसएमसी चारिया चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे क्षेत्र में लेकर के आए हैं जहां पर हमारी लोक संस्कृति के प्रतीक जो तेजाजी महाराज हुए हैं, जो आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व गौ माता की रक्षार्थ उन्होंने प्राण दिया और आज भी तेजाजी का इतिहास अमर है, विशेष तौर से अपने मारवाड़ क्षेत्र नागौर में। लेकिन उस संस्कृति को हमारे आसपास के गाँव में लाने का कार्य तेजा गायन मंडली के कलाकार कर रहे हैं, जो गायन के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और अनेक प्रकार के कर्तव्यों से आज तेजाजी महाराज की संस्कृति को वापस जीवित किया है और अपने राजस्थान के चूरू, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर आदि जिलों में खूब गांवों में मंदिर बने हैं। और ऐसा ही नेक कार्य यहाँ जंगल में जो बड़ाबर ग्राम पंचायत का राजस्व क्षेत्र है, उसमें मध्य रात्रि में आज भंवरिया परिवार हेमासर की ओर से किया गया, जिसमें भाई हेमाराम जी जो सुपुत्र हैं चूनाराम जी भंवरिया के, और इनके भाई परिवार के द्वारा बड़ा सुंदर तेजा गायन का आयोजन हुआ, जिसमें जो भी डोनेशन आया, जो भी चैरिटी आई, दानदाताओं ने दान पुण्य किया, वो सब श्री कृष्ण गोपाल गौशाला बड़ाबर के लिए रखा गया। आइए, अब हम आपको इस पूरी मंडली से रूबरू करवाते हैं। ये हेमाराम जी का खेत था, जो 70 बीघा ज़मीन है, इसको पवित्र करने के लिए इन्होंने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पधारे, माताएं बहनें पधारी, पूरी रात खूब आनंद लिया। अब कार्यक्रम विश्राम की ओर है, आइए आप सभी को परिचित करवाते हैं। ये सभी सदस्य हैं और इनके अलावा भंवरिया परिवार के सदस्य हैं, साथ ही ये कलाकार हैं जो हमारे बीच तेजा गायन मंडली के अपने आसपास के जयपुर से, नागौर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से और सीवा क्षेत्र से, धौलिया क्षेत्र से पधारे हैं। दो प्रकार से तेजा गायन होता है, एक रिकॉर्डेड तेजा गायन जिसमें नृत्य होता है, जिनमें डीजे सॉन्ग बजते हैं, और एक परंपरागत तेजा गायन। दोनों प्रकार के कलाकार यहाँ पर हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर तेजा गायन किया है। सबसे पहले हम निवेदन करेंगे श्रीमान हेमाराम जी भंवरिया से कि वो आए। ये हैं आपके सामने भाई हेमाराम जी भंवरिया। सबसे पहले तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अति भागदौड़ भरे जीवन में अतो सुंदर कार्यक्रम को आयोजन करो आपके स्तर पर, और जो भी चढ़ाव आयो दान पुण्य में गौशाला में भेंट करो और अतो सुंदर कार्यक्रम रहो। कहीं कहना चाहो आप ही कार्यक्रम के बारे में? मैं तो हाथ जोड़ कह रही हूँ, सभी को था कोई काम हो और मैं तो एक सेवा का माँ मारो योज तो प्रयत्न करने के मैं भूल चुक, माफ करिया सभी भाया की। आज जमीन जगह है तो माँ की कोनी और सो बस्ती की है, सब कोई सहयोग है, सभी भाई बंधु को है, बहन बेटी को, सगा परसिंग को, माइता का हो और गांव बस्ती मारो तो प्रयत्न वही है, भगवान है और सभी मारो की कोनी। मत खाली एक यहाँ मीन खाऊँ, खाली राम रूमी देखा आगुआ का बड्ड है। बहुत सुंदर प्रेम भाव की बात एम जी बताई। बहुत सारा लोग अभी आया, माँ से भी कुछ लोग मिलया। बड़ाबर गांव के अंदर तेजो जी को कोई बड़ो मंदिर नहीं है, आज यहाँ भी चौकी है, मोकड़ी है। अगर 5 बिस्वा, 2 बिस्वा, 1 बिस्वा तेजा जी के मंदिर के लिए आपा चौकी छोड़ देवा और भविष्य निर्माण हो जाए तो आपने किशोक लागे इ पवित्र भूमि पर। बड़ाबर गांव का की बस्ती का की सकी हिम्मत हुआ तो सुहाबी को पक्के नाप की गौचर भूमि का माँ तेजा जी महाराज मिंद्र के नाम में देश कुंवर एक बड़ाबर का ही सहयोग करे अरबे ही सा संभाल करे मार तो मैं देण को संगी हूँ, अरे एकदम कागदा में लिख दे सकूँ और बड़ाबर गांव का ही हर चीज़ को प्रयत्न करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सवाबीघा जमीन को दान, लगभग 25 बिस्वा जमीन को दान भाई हेमाराम जी भंवरिया करे हुए। अब आज जिम्मेदारी बड़ाबर गांव की है कि आप ईंट बाटो चिण करके और एक सुंदर मूर्ति तेजा जी महाराज की रखवा देवा ताकि आपने एक सुंदर धाम बने। काई कहनो चाहो एम जी? ए बड़ाबर गांव का बनाने मत स्वाभी को जमीन पसकाल नहीं है कि माड़ापन नहीं होनी चाहिए, अभी चीज ने ऊंची बढ़ाओ और चौकी लागे जटाऊ स्वाभी को जमीन आपका खेत का मैं मत दस्त देने तैयार हूँ। पूरी बड़ाबर का ही पूरा आम आदमी आपका भाई मारो सेवा अगरबत्ती बा चीज को नहीं करने को ए बड़ाबर गांव का ही बस्ती का करो ए के वजह की चीज स्वाभी को जमीन आग इच्छा वजह की कूट में खुली लियो ए मिंद्र करो तो भी खतर।
बहुत सुंदर, हमारा भी मन था कि मंदिर बने, आप सबका भी मन था, तो जोरदार ताली बजाएं। इतना बड़ा दान कोई दिल वाला व्यक्ति कर सकता है। 17 बीघा में से आपने 25 बीघा दान किए। हम ठाकुर जी से, तेजाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी और बहुत सारी 17 बीघा जमीन आपके भाई परिवार में आप सबको और मिले। तेजाजी महाराज, धरती माता कृपा बनी रहेगी। इसके लिए हम झूमरमल जी, लादूराम जी और साथ ही जालूराम जी से निवेदन करेंगे, आप गौशाला के अधीन इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएं, क्योंकि गाय और तेजाजी अलग नहीं है। दाम बनेगी, निर्माण होगा तो खूब लोग आएंगे, उससे भी बहुत अच्छा कार्य होगा। बहुत सुंदर, इन्होंने एक बात क्लियर कह दी है, एक बात साफ साफ बता दी कि मेरे सेवा नहीं वाली जमीन को मैं देवाड़ हूँ, क्योंकि मेरकन जो चीज़ है तो आप इन संभाल के बना सको, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छो लागो, पारंपरिक तेजा गायन है, बी का कलाकार है, जको तेजा गायन आज की पीढ़ी नहीं जान सके। तो मैं सब पहले तो जगुराम जी आप अटे पधारिया, माँ की रामा श्यामा और जो है खम्मा खम्मा मानजो गणा गणा। दूसरा थे बताओ अटे को कार्यक्रम पहली बार हुई है जंगल में मंगल, बहुत अच्छी गौ सेवा हुई और अटे की व्यवस्था, अटे को प्रेम भाव देख के आप कहीं कहना चाहो ऐ तो बातें बताओ। और अठे और एक बड़ो काम अभी हुए हैं जो एमजी आपके सामने रखे हुए, मारो मानस है मन में, देखो मैं मेरे जीवन में जठे भी जाऊं, मारी एक ही परंपरा है कि धर्म बढ़े, और धर्म बढ़ने का दो ही साधन है, एक तो मंदिर और एक गाय माता। आप मंदिर जावा चाहे माड़ो माड़ो व्यक्ति हुए वो निवण कर सी, गाय माता चाहे माड़ो माड़ो व्यक्ति हुए बिन भी जीवन में एक बार जरूर चाहिए जी, जीवन तन नहीं चाहिए तो घर का ला रहा हूँ चाहिए जी के भाई घर पवित्र करो तो गौंत ले आओ, समझ गया। तो आप कहीं कहना चाहो ये व्यवस्था देख करके भाई जगुराम जी। अरे साहब मैं तो कही है कि बोल सू क्या, मैं तो खेत में पर के जागण दे बनाया आटा अपने बड़ा पर में गौशाला के माए, जरा पग दियो खेत में जगदी नहीं, मैं तो आने की हो के बहुत जोर को काम करियो है, धरती माता हूँ तो बड़ो कोई है ही नहीं है, दिन बाज है नौकरियाँ के है नहीं, खेती खड़ा आदमी है, दन्नाड़ो आदमी है, फिर भगवान की दिया हूँ 1 करोड़ को खेत लियो है, तो आगो बाप ही बहुत जोर को आदमी हो, मन बोला वर्ष मैं 36 साल छोटो को मार मामे सागे आ तो आगे पिताजी कन जदू लगार आज तानी एकदम गेलो सही है, यार भगवान घणु साथ देवे आने 12 महीना मैं आन की हो के भगवान की दिया हूँ थोड़ो मन यहाँ का ये तेजे जी को मैं पिंडो इंडो की नहीं हूँ, मारी आत्मा मते जागी फैल के मैं कियो बटे कहीं ऊंची जगह है चौकी जगह है सूरी जगह है, जरा मैं क्यों और तेजे जी को मिंदर बन सके जो को आगे आत्मा सो परमात्मा है, जरा क्यों थे क्यों जिया ही कर लिया क्यों जिया नहीं था कि आत्मा चालनी चाहिए, जब भगवान साथ हुए था के यार मिंद के जरा कहूँ नहीं तर मैं कहूँ ही को नहीं, जरा वो तेजे जी को मिंदर आपका सोच रहा क्यों यार आपान शकलान बुलाया आप आते साहब दिन बाज है। भैया महेंद्र जी जयपुर से, महेंद्र जी केम छो, मजा में सो, कयाल को लागो साठ प्रोग्राम और व्यवस्थावा, और अभी जो आज का प्रोग्राम का ऑनर है एम जी एतेजा जी महाराज के लिए जो समर्पण करे हैं, कया कहीं लागो आपने सारी संभावना? बहुत बढ़िया लागो साहब, बढ़िया प्रोग्राम लागो और बढ़िया व्यवस्था हुई, सारी चीज़ा बढ़िया हुई, बहुत मस्त बढ़िया प्रोग्राम लागो साहब। अब हम भाई झूमरमल जी से निवेदन करेंगे, 2 मिनट आए डूखिया जी, जिन्होंने पूरी रात्रि गौ सेवा के निमित्त राशि लिखी, हेमाराम जी ने कार्य किया और काफ़ी संख्या में लोग आए और गौशाला को राशि समर्पित कर दी, इस भावना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही बुलावा दे दीजिए 18 तारीख का सभी लोगों को। ये हमारे साथ भाई झूमरमल जी ढूकिया जो बड़ाबर गौशाला के संरक्षक हैं, सेवक हैं, आइए इनसे सुनते हैं इनके विचार। एम जी ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि अतो बड़ो प्रोग्राम कर और गौशाला के लिए समर्पित कर दियो, और आगामी 18 तारीख को बड़ाबर गौशाला में आकी देख रेख के मायने और ओई जागरण ऐ कलाकार आवेला और बहुत धूमधाम प्रोग्राम हुएलो, और जकी आज जमीन महाराज के नाम दान करी है तो ई के बारे में बड़ाबर का आदमी मिलर बात कर सोच समझ बात कैसी आने। बहुत सुंदर,
माँ को मानस जरूर आप राखोला मन विश्वास है एम जी राख्यो तो बराबर वासी भी राखेला आप आगामी 12 महीना के अंदर अंदर एक बड़ो सुंदर तेजाजी को मंदिर सब रल मिल के बढ़ावा कोई बड़ी बात नहीं है कोई ईंट कोई बाटो कोई पत्थर और सुंदर मंदिर बन जैसी उम्मीद है ई भावनाओं के साथ में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जय गोपाल जय गो माता जय वीर श्रोमणि तेजाजी महाराज बोलो गौ माता की तेजाजी महाराज की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की हनुमान जी महाराज की। तो ये था गांव बडाबर की रोई से दिखाया गया कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा मेरा निवेदन रहेगा यदि आप बडाबर या उसके आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो एक बार जो 18 सितंबर को बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर तेजा गायन का होने वाला है भादवे का महीना चल रहा है और वैसे बाबा रामसा पीर के मेले लगते हैं लेकिन अभी यहाँ पर मेले नहीं लग रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार की जो गाइडलाइन जारी की है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं था राजकुमार शर्मा धन्यवाद जय हिंद जय मां भारती।